बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इल्मी न्यूज़ अपडेट्स। खबर शामिल करेंगे ईओबीआई पेंशनर्स के हवाले से। बड़ी खबर है कि पेंशन में इजाफे के हवाले से अहम इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें पेंशन में इजाफे के हवाले से लहमल तरतीब दिया गया है। मुकम्मल खबर के मुताबिक एपवा की एग्जीक्यूटिव कमेटी का मशावरती इजलास एपवा राबता ऑफिस में काजी अब्दुल जब्बार सदर एपवा की सदारत में मुनक्कद हुआ। चेयरमैन एपवा असफर शमीम साहब ने खताब करते हुए कहा कि वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान भर के ईओबीआई पेंशनर्स एपवा के परचम तले मुतहद हो जाएं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ज़ईफ़ुल उम्र पेंशनर्स की हालत ज़ार की जानब जो है वो तवज्जो दिलाई, और उनकी जानब से ये कहना था कि जैसा कि जो सरकारी मुलाज़मीन हैं उनकी कम से कम तनख्वाह जो है वो 20,000 रुपये मुकर्रर है, इसी तरीके से जो मज़दूर हैं उनकी भी कम से कम उजरत जो है वो 20,000 रुपये मुख्तस कर दी गई है। लेकिन इस ज़माने में भी जो ईओबीआई पेंशनर्स हैं वो 8,500 की कलील रकम में गुजारा करने पर मजबूर हैं। तो इस पर उन्होंने का कहना था कि जल्द अज़ जल्द जो है वो ईओबीआई पेंशनर्स को जो है वो पेंशन में इजाफा फराहम किया जाए, जो कि एक मज़दूर की कम अज़ कम उजरत के बराबर यानी कि 20,000 रुपये के बराबर हो। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।